हाय गाइज, माय नेम इज चंदशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स और कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। और कंप्यूटर ऑडिट असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। और फिर कंटिन्यूस ऑडिटिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कंटिन्यूस ऑडिटिंग, कई ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस ऑडिटिंग की ज़रूरत होती है। एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं और उन्हीं एम्बेडेड सिस्टम से ऑडिटर कंटिन्यूसली ऑडिट करता रहता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बीच में वो देख लेता है, उसको पता चल जाता है। अच्छा, कंटिन्यूस ऑडिट टेक्निक क्यों आई, पहले क्यों नहीं होती थी कंटिन्यूस ऑडिट टेक्निक? अब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर हाईली ऑटोमेटेड होता है, सॉफ्टवेयर अगर मान लिया सपोज कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी समय पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रोल लैक्स हो जाते हैं और एक बार कंट्रोल लैक्स हो गए तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक नहीं होते। कहने का मतलब ये, अगर आपका प्रोग्राम है उसमें कोई चीज़ गलत होने लगी कि वो अपने आप ठीक नहीं होगा, उसको ठीक करने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपको देखना पड़ेगा, आपके प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। एक वायरस आ गया तो क्या है, वायरस ठीक करना, एंटीवायरस चालू करना पड़ेगा ताकि वायरस वाला प्रोग्राम डिलीट हो जाए, क्वारंटीन हो जाए, सॉरी। तो बेसिकली क्या है कि कंटिन्यूस ऑडिटिंग टेक्निक्स का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे जैसे हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस ऑडिटिंग टेक्निक्स का कॉन्सेप्ट आते जा रहा है कि कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग होती रह रही है। और उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे आदमी इस सिस्टम से गायब होता जा रहा है, और आदमी गायब होते जाएगा तो ऑडिटर ही रह जाएगा जो उसको देख रहा होगा ठीक तरीके से। जो भी आदमी रहेगा वो सिस्टम को ऑडिट कर रहा होगा एक तरह से। आप एक वो सिचुएशन देखिए कि एक सपोज़ मारुति की फैक्ट्री है, और मारुति की फैक्ट्री में सारा काम अपने आप होने लगता है। सपोज़ ऑस्ट्रेलिया जैसा कॉन्टिनेंट है, कोई एक दूसरे ग्रह से प्राणी आ जाते हैं और सबको हटा देते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से। अब वहाँ पर वो एक मारुति की फैक्ट्री डालते हैं, और ऐसी मारुति की फैक्ट्री डालते हैं जो अपने आप काम कर रही है, मतलब उसमें रोबोट्स लगे हैं, रोबोट्स को रोबोट्स ठीक करते हैं। अगर मारुति की फैक्ट्री को टायर चाहिए तो टायर बनाने की फैक्ट्री भी रोबोट्स बनाती है, रोबोट्स सारा बनाते हैं। तो दो यहाँ पर अफेक्ट होंगे, दो चीज़ें यहाँ पर समझने की बात है कि एक तो उस जो प्रोडक्शन की कॉस्ट निल हो जाएगी, क्योंकि पैसा आदमी को देना पड़ता है। उस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कोई आदमी नहीं है, सारा इन्वायरमेंट जो काम कर रहा है वो इंटेलिजेंट रोबोट्स कर रहे हैं, और रोबोट्स को ठीक करते हैं दे रहे हैं, और रोबोट्स ही पूरा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रोबोट्स का बना हुआ है, और वो एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप को खुद मेंटेन कर लेता है। तो वहाँ पर आदमी नहीं है तो पैसा तो आदमी को देना पड़ता है, तो पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं वहाँ पर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निल हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह, जैसे जैसे ऑटोमेशन होता जाएगा, कॉस्ट रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, कॉस्ट कम होती चली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें रोबोट्स काम कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप केवल चीज़ों को देख रहे होगे, ऑब्जर्व कर रहे होगे, तो धीरे धीरे आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन का काम हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है सिस्टम के अंदर काम करना है तो वो क्या काम है, वो तो ऑडिटिंग का काम है। बेसिकली आपने ऑडिट किया, और ऑडिट एक आदमी ऑडिट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और उसके सिस्टम को चेक करता जा रहा है, और दूसरे मैनेजमेंट को बताता जा रहा है, मैनेजमेंट को कहता जा रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि कंटिन्यूस ऑडिटिंग क्यों यूज़ की जाती है। कंटिन्यूस ऑडिटिंग इसलिए का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि सिस्टम में ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। अब सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, अपने आप काम करता हुआ सिस्टम कभी बड़ा डेंजरस हो जाता है, कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद मैनेजमेंट ने उसे ठीक कर लिया, लेकिन बेसिकली हमारा कहना ये है कि उसमें वो तो एक सेल्फ जो अपने आप चलने वाला सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी क्यों आ रही है? अगर मान लीजिए सपोज एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है बैंक का, तो उसमें उसके एक सेट पैरामीटर्स हैं, ऑटोमेशन के एक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर उन पैरामीटर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो यानी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो वो तो पता तो होना चाहिए। जिस मोमेंट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आए उतना वो पता होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेशन होते ही जो है वॉल्यूम्स बहुत बड़े हो जाते हैं। एक आदमी है, एक आदमी एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, उस लेवल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे आप सिस्टम को ऑटोमेट करते चले जाते हो, आप एक डेटाबेस, एक सिंगल डेटाबेस, पूरे SBI का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस, वो सबके अकाउंट मेंटेन करके रख रहा है,
एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, वो पूरे इंडिया में जो भी SBI के अकाउंट होल्डर हैं उनका अकाउंट मेंटेन कर रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपके आप बैंक जाते थे, अगर बैंक में अगर मान लिए सपोज, तो वहाँ पर एक अकाउंटेंट अलग से आपका खाता रख रहा होता है था। अब ऐसा नहीं है, अब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, टोटली ऑटोमेटेड है, कैलकुलेशन वही करता है, किसी और को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर लेजर में लिखना है ये करना ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर सामने उसमें बटन दबाने की ज़रूरत है, उसमें डेटा फीड करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज डेटाबेस में चले जाएगा, वहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होगी, वहाँ सारी कैलकुलेशन होगी, वहाँ पर कोई एरर नहीं होना चाहिए, अगर एरर हो गया तो प्रॉब्लम हो गया, अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस में अगर प्रोसेसिंग लॉजिक में अगर एरर हो गया तो वो एक आदमी को अफेक्ट नहीं करेगा, फिर सारे आदमी को अफेक्ट करेगा, यानी सारे आदमी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए कंटिन्यूस ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट आया, कंटिन्यूस ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट और बढ़ते चले जाएगा धीरे धीरे, जैसे समय बीतता चले जाएगा जो कॉन्सेप्ट होगा कंटिन्यूस ऑडिटिंग का होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्निक्स जो हैं कंटिन्यूस ऑडिटिंग की। तो कंटिन्यूस ऑडिटिंग की टेक्निक की एक सबसे पहली टेक्निक जो है स्नैपशॉट दी गई है, और बैंक्स वगैरह में स्नैपशॉट का बहुत यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन न्यूमरस ट्रांजैक्शन होते हैं और उसमें न्यूमरस प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं, तो इन एप्लीकेशन को जब लगाया जाता है उससे पहले उन्हें टेस्ट किया जाता है, एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है कि मान लिया सपोज अगर मान लिया एक कैश विड्रॉल हो रहा है ATM से, तो ATM में एक प्रोसेस चल रही है, वो वहाँ ही प्रोसेस नहीं चल रही है, कम्युनिकेट भी होगा वो जो पैसा निकलना है वो सेंट्रलाइज डेटाबेस के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, सेंट्रलाइज डेटाबेस में कई सॉफ्टवेयर होंगे, कई सारे सॉफ्टवेयर होंगे, चेन ऑफ सॉफ्टवेयर होंगे, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, तो यानी कि एक चेन चल रही है, आपका पैसा निकालते हो आप अपना ATM कार्ड डालते हो तो कोई ऐसा नहीं है एक सिंगल सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। अब क्या है कि आपने प्रोसेसिंग की, अब प्रोसेसिंग में एरर आ गया, अब क्वेश्चन होता है एरर कहाँ पर आया, कौन से सॉफ्टवेयर में एरर आया, कौन से स्टेप में एरर आया। तो क्या होता है कि जैसे ही आप अपना पिन या कुछ वो जो कार्ड वगैरह डालते हो, या सपोज आप एक उसमें हो अपने लैपटॉप में हो वहाँ पर पासवर्ड डाल रहे हो, तो चेन ऑफ स्नैपशॉट शुरू हो जाती है, यानी कि स्नैपशॉट लेना स्टार्ट कर देता है सिस्टम, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उस एरर को पिनपॉइंट करने में ये स्नैपशॉट्स हेल्प करते हैं। स्नैपशॉट के थ्रू आप वहाँ पर तक पहुँच जाते हो जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होती, प्रोसेसिंग अगर विड्रॉल्स में कोई प्रॉब्लम हो रही होती तो वहाँ पर पहुँच जाते हो, तो जो एरर्स हैं कोड्स और इंस्ट्रक्शन में वो पिनपॉइंट किए जा सकते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो सबसे पहले जो कंटिन्यूस ऑडिटिंग की टेक्निक्स है उसमें सबसे पहली टेक्निक्स है स्नैपशॉट। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, और उसमें क्या होता है कि इनपुट जाता है और आउटपुट बाहर आता है, तो स्नैपशॉट क्या करते हैं, डिजिटल पिक्चर्स होते हैं, बेसिकली प्रोसीजर्स के डिजिटल पिक्चर्स हैं। जब कंसोल में जो है आप मान लीजिए सपोज एक कंसोल है और या आपका आपने कीबोर्ड दबाया और या माउस दबाया, कीबोर्ड माउस दबाते ही आपने एक डेटा भेजा, और जैसे ही आपने डेटा भेजा एक स्नैपशॉट बन गया। अब यहाँ पर क्यों स्नैपशॉट बना, क्योंकि यहाँ से डेटा एंट्री हुई, डेटा एंट्री में उसने स्नैपशॉट ले लिया, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले वो देखेगा डेटा एंट्री क्या थी, वहाँ वो रेफरेंस पॉइंट होगा, वहाँ से फिर डेटा कहाँ पर गया, आपने अपने कंप्यूटर में बटन दबाया, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है आपका HDFC का, वेबसाइट जो ओपन हुई है वो आपने उस पर डेटा गया, उस पर डेटा जाने के बाद वो डेटा इनक्रिप्ट होकर बैंक की साइट तक जाएगा, तो वो जो इंक्रिप्शन है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, जो सॉफ्टवेयर क्योंकि आपके आपके लैपटॉप में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें एक वेब का एप्लीकेशन हुआ, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वेब के एप्लीकेशन से प्रॉब्लम तो नहीं हुई, रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वो डेटा बैंक में पहुँचा वहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहुँचा उसमें तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वहाँ पर डेटाबेस में पहुँचा उसमें तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई, अगर मान लिया वहाँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ हो रही है या पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उसमें कहाँ पर प्रॉब्लम हुई, अगर मान लिया सपोज एक डेटा प्रोसेसिंग में कहीं पर प्रॉब्लम हुई तो कहाँ पर प्रॉब्लम हुई, ये पिनपॉइंट यही करेगा। अगर मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए आप ये समझें, आप ATM में चले जाएं, ATM में जैसे ही आप पैसा निकाल रहे हैं ट्रांजेक्शन बीच में कट हो गया, तो बीच में कट हुआ तो कहाँ पर कट हुआ,
लाइट अचानक चलेगी और ट्रांजेक्शन जो है अबॉर्ट हो गया, अचानक अबॉर्ट हो गया। सिस्टम को पता होना चाहिए कि कहाँ पर अबॉर्ट हुआ, क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुई, पैसे निकले कि निकले, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हर ट्रांजेक्शन का एक स्नैपशॉट रखा जाता है। तो ये स्नैपशॉट बेसिकली कंटिन्यूस ऑडिटिंग की एक टेक्निक है, मतलब ऑटोमेटेड ऑडिटिंग कह सकते हैं। इसमें ऑडिटिंग में भी ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म कर दिया गया। तो अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर पता कर लेता कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। स्नैपशॉट के थ्रू वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक करे रखता है। मतलब अगर कहीं पर वो गलती करेगा तो उसको पता चल जाता है, कहाँ पर पिन पॉइंट करता है और मिस्टेक्स को ठीक कर लेता है। अब हमारी स्टडी बताती है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो स्नैपशॉट कैसे होंगे, बेसिकली वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, स्नैपशॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा या ऑडिट टूल होगा जो स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा सारे एप्लीकेशंस के रिजल्ट्स को, सारी या स्पेसिफाइड स्टेप्स को, जैसे यूज़र इनपुट किया वो वाले स्टेप को, और फिर उसके बाद स्पेसिफाइड स्टेप्स को ट्रैक करना चालू कर देगा। उसकी डिजिटल इमेज ले लेगा, यूज़र इनपुट की डिजिटल इमेज ले लेगा, करस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं जो है उनकी ले लेगा, जो मल्टीपल इंटरमीडिएटरी स्टेट्स हैं उनकी उनका डिजिटल इमेज ले लेगा, और फिर आउटपुट की डिजिटल इमेज ले लेगा। तो उसे पता चल जाएगा रियलिटी में अगर प्रॉब्लम हुई तो कहाँ पर हुई, किस जगह के बीच में डिस्कनेक्ट आया, क्योंकि वो प्रोसेसिंग फिर से चलेगी सिस्टम में और सिस्टम बता देगा यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। तो जितनी भी डिजिटल इमेजेस हैं वो एक सेपरेट फाइल्स में रखी जाएंगी, और उसके बाद में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे रिट्राइव कर दिया जाएगा। इवन ऑडिटर के रिव्यू के लिए वो रखी जा सकती हैं। तो डिजिटल इमेजेस जो हैं उसमें ये हो सकता है कि अगर मान लिया सपोज जो भी डिजिटल इमेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर सकती है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हम उसने कर सकते हैं सेलेक्ट सर्वर में, क्लाइंट सिस्टम में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और हम हर बार ये भी देख सकते हैं कि ये डिजिटल इमेजेस एक पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एक पैरेलल चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल इमेजेस आ रही हैं वो भी प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन उसमें सिस्टम का लोड ज़्यादा हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि हर 10वें ट्रांजेक्शन की डिजिटल इमेज प्रोसेस होगी, या 100वें, या 1000वें, या 10000वें, या सिस्टम जिस समय स्लो कर रहा है उस समय वो सेलेक्ट करेगा डिजिटल इमेजेस को और उनको रीप्रोसेस करके देखेगा वही चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो कंपैरिजन हो जाएगा और कंपैरिजन होकर पता चल जाएगा अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ट्रिगर्स रिलीज हो जाएंगे कि यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, और ऑडिटर को पता चल जाएगा। तो स्नैपशॉट मैनुअली ट्रिगर हो सकती हैं यूज़र ऑडिटर के द्वारा, वो एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक टाइम रैंडमली डिटरमाइन करके वो स्नैपशॉट को ट्रिगर कर सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर टाइम में ट्रिगर होंगी, या कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होगा ट्रिगर होंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, स्नैपशॉट जो एम्प्लॉय होती हैं वो क्या करती हैं, एनालाइज करती हैं और ट्रैक डाउन करती हैं डेटा के फ्लो को। मतलब डेटा का जो फ्लो हो रहा है एप्लीकेशन सॉफ्ट प्रोग्राम के अंदर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको एनालाइज करती हैं और ट्रैकिंग करती हैं। तो उनको अंडरलाइंग लॉजिक पता चलता है डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, कि डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इससे आपको सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग पता चल जाती है, अब लॉजिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स के बारे में पता चल जाता है। स्नैपशॉट जो है जनरली जो है आपको अगर कोई डिस्ट्रप्शन हो गया या कोई फेलियर हो गया या एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोई डेटाबेस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको ट्रैक कर लेता है। तो बेसिकली समराइज़ किया जाए, समरी ये है कि स्नैपशॉट एक कंटिन्यूस ऑडिटिंग टेक्निक होती है। उसमें क्या होता है कि सिस्टम में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उसकी एक पिक्चर आ जाती है सिस्टम में, डिजिटल इमेज आ जाती है कि इसने ये नंबर्स क्लिक किए। उसके बाद प्रोसेसिंग होती जाती है, जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर भी डिवाइडेड होते हैं, आपके उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जैसे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर जब आपने HDFC की साइट में हुई तो वेबसाइट डाउनलोड हुई उसमें, तो आपने क्लिक किया, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा होते हुए HDFC की के साइट के जो वेब
वेब सॉफ्टवेयर है उसमें गया, वहाँ से फिर उसके सर्वर पर गया, वहाँ पर जितने सॉफ्टवेयर हैं उसमें गया, तो उसमें ये एक डिजिटल इमेज ले ली जाती है हर स्टेप की, और ये डिजिटल इमेज जो है हमें हेल्प करती है डिस्ट्रप्शन को फाइंड आउट करने की, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। और क्या होता है कि उसको कई बार क्या होता है कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी करते हैं, जैसे डिजिटल इमेज ले ली तो 100 ट्रांजेक्शन या 1000 ट्रांजेक्शन में से एक ट्रांजेक्शन हम देखते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली हमारा सिस्टम देखता रहता है, हम नहीं मतलब कॉन्स्टेंटली हमारा सिस्टम देखता रहता है। तो ये सिस्टम इन सब चीज़ों को टैली करता रहता है कि सही प्रोसेसिंग हुई कि नहीं हुई, जहाँ पर भी गलती प्रोसेसिंग हुई तो वो ट्रिगर कर देता है, ऑडिटर को बता देता है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कंटिन्यूस ऑडिटिंग की एक मेथड है, मतलब ऑडिटिंग को भी क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम्स हैं, ह्यूज कंट्रोल्स हैं, इनविजिबल कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पर ये स्नैपशॉट का लगना बहुत जरूरी है, तो वो ऑडिटर का काम कम कर देता है, जब भी प्रॉब्लम होती है वो बता देता है। तो कंटिन्यूस ऑडिटिंग जो कि आने वाला फील्ड है, जो कि आने वाले समय में होगा, जब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, जब ह्यूज लेवल ऑफ ऑटोमेशन होगा, तो स्नैपशॉट्स टाइप की चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। बैंक में तो ये स्नैपशॉट्स का यूज़ होता है। इसके बाद है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में क्या होता है, ऑडिटर जाता है और जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें डेटा पुश कर देता है, पर्टिकुलर टेस्ट डेटा पुश कर लेता है। टेस्ट डेटा पुश करके वो देख लेता है कि उसकी प्रोसेसिंग सही हो रही है कि नहीं सही हो रही है, और अगर सही हो रही है तो ठीक है, प्रोसेसिंग सही है। अगर डमी एंट्रीज क्रिएट होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये डमी एंट्रीज जो हैं डिलीट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर डमी ट्रांजेक्शन लाइव डेटाबेस में, आप लाइव डेटाबेस उसमें डमी ट्रांजेक्शंस डाल रहे हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में क्या है कि कई सॉफ्टवेयर्स में क्या किया जाता है कि ऑटोमेटिकली ऑडिट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है, वो एक पर्टिकुलर जैसे वाउचर डाल रहा है, अगर आर्बिट्रेरी वाउचर्स पुश करने लगता है तो वो वाउचर्स पुश करता है, उसको डालता है और उसके बाद उसके रिजल्ट्स आपको दे देता है, और डेटाबेस भी उससे अपडेट हो जाता है फॉर द टाइम भी, कुछ माइक्रो सेकंड्स वगैरह के लिए। उसके बाद क्या है, फिर वो डिलीट कर देता है उन डेटा, उन डमी एंट्रीज को डिलीट कर देता है। तो ये एक ऑडिटिंग का मेथड है कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अगर कोई वायरस आ गया, कोई हैकिंग हो गई, या कोई और चीज़ है, कोई ट्रोजन है, ट्रोजन प्रोग्राम है उसमें जो इनबिल्ट प्रोग्राम डाला है, SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टाइम पर कोई ट्रोजन प्रोग्राम डाल दिया गया है, और इन सारी चीज़ों को ट्रैक करता रहता है, उसके बाद वो कंट्रोल्स को टेस्ट करता रहता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी एक सिस्टम है जिसमें कि टेस्ट पैक को हम पुश करते हैं। टेस्ट पैक हमने बोला था, टेस्ट पैक क्या होता है, टेस्ट डेटा या टेस्ट पैक होता है, वो टेस्ट डेटा होता है जो हम जिससे हम टेस्ट करते हैं। तो इसको हम किस में डालते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम में, मतलब डमी सिस्टम में नहीं डालते हैं, डमी डेटा डालते हैं लाइव, यानी आपके ऑफिस में टेली, ये समझ लो टेली काम कर रहा है तो उसमें हम लाइव डेटा पुश कर देंगे और बाद में हम उसे मिटाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन सिस्टम में हम डालते हैं और डमी एंट्रीज डाल देते हैं। तो इसके लिए डमी एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, डमी एंट्री क्रिएट करनी पड़ती है, और डमी एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए हमने पहले पढ़ चुके हैं, टेस्ट पैक होते हैं या डमी टेस्ट डेटा क्रिएटर्स होते हैं, उनका यूज़ हम करते हैं। तो डमी एंट्रीज जो हैं, अगर मान लिया सपोज पर्टिकुलर कस्टमर का अकाउंट, अगर हम मान लिया सपोज सेल्स की एंट्री डाल रहे हैं उसमें, तो कस्टमर के अकाउंट को अफेक्ट कर लेगी और फिर उसके बाद क्या है, उसे डिलीट कर लेगी। तो चूंकि लाइव इन्वायरमेंट में हम इसे डाल रहे हैं तो हमें लाइव इन्वायरमेंट में पता चल जाता है, हमें प्रॉब्लम पता चल जाता है, एरर्स क्या हैं, आज की एरर्स क्या हैं लाइव इन्वायरमेंट में, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये पता चल जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि डबी ट्रांजेक्शन को लाइव डेटा भी इसमें डालोगे तो फिर प्रॉब्लम, तो अगर वो उसको डिलीट नहीं किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, रिजल्ट्स इंपैक्ट हो जाएगा, और अगर लाइव डेटा भी से कोई रिपोर्ट निकल रही है उसी टाइम पर, उसमें इफेक्ट आ जाएगा। और आपको इसको देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट जब निकल रही है तो जो इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी का सॉफ्टवेयर है वो इंश्योर कर रहा है कि उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, रिपोर्ट निकलने से पहले उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब टेस्ट ट्रांजैक्शन को डिलीट कर रहा है और उसके बाद ही रिपोर्ट को निकलने दे रहा है, या तो रिपोर्ट को ब्लॉक कर दे रहा है उस पीरियड के लिए, उस माइक्रो सेकंड कुछ सेकंड्स के लिए ब्लॉक कर दे रहा है, उस समय कोई रिपोर्ट नहीं निकलेगी, उस माइक्रो सेकंड या उस सेकंड के लिए कोई रिपोर्ट नहीं निकलेगी, उसके बाद रिपोर्ट निकलेगी। तो टेस्ट जो, अगर मान लीजिए सपोज आपने टेस्ट पैक डाला और प्रिडिक्टेड रिजल्ट आए, वेल एंड गुड, इसका मतलब सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। अगर टेस्ट पैक डाला और रिजल्ट सही नहीं आए तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, फिर आप उस प्रॉब्लम को, आपको ट्रिगर्स आ जाते हैं, ऑडिटर को ट्रिगर्स आ जाते हैं कि भाई ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, और ये सारा काम जो है सिस्टम करता है, ऑटोमेटेड करता है,
और ये कंटिन्यूस ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है? ऑटोमेटेड सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा। अगली जो कंटिन्यूस ऑडिटिंग की टेक्निक है वो सिस्टम एक्टिविटी फाइल इंट्रोगेशन है, यानी सिस्टम की एक्टिविटी की फाइल को इंट्रोगेट कर रहे हो, यानी कि सिस्टम की एक्टिविटी की फाइल है, उस सिस्टम की एक्टिविटी की फाइल में क्या होगा? सिस्टम की एक्टिविटी होगी। सिस्टम की एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? लॉग्स होता है। बेसिकली क्या है कि लॉग्स बहुत सारे, अधिकतर जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या है, लॉग्स होते हैं हर इवेंट्स के। तो ये लॉग्स जो हैं, यूज़र और कंप्यूटर इनिशिएटेड दोनों, कंप्यूटर ने कोई काम कर रहा है कंप्यूटर, तो उसके लॉग्स होते हैं, इंटरनली लॉग्स होते हैं, क्योंकि लॉजिकली काम कर रहा है, बस वो है, लेकिन उसके लॉग्स क्रिएट करता जा रहा है। इवन स्नैपशॉट्स के, जो अभी हमने पढ़ा था स्नैपशॉट्स, वो स्नैपशॉट्स रखता है, तो लॉग्स तो रखता ही रखता है, लॉग्स रखता है। और यूज़र ने अगर कोई इनिशिएट किया, तो कोई चीज़ इनिशिएट की, तो उसके लॉग्स रखेगा कि इस यूज़र ने किया। तो ये इन्फॉर्मेशन फाइल में रखी जाती है और इसका प्रिंटआउट लिया जाता है पीरियोडिकली, महीने के एंड में या पर्टिकुलर पीरियड में या हफ्ते भर में उसका जो है प्रिंटआउट लिया जाता है। तो आप जब जनरल कंट्रोल्स की ऑडिट टेस्टिंग करोगे तो उस टाइम पर ये लॉग्स बड़े यूज़फुल होते हैं। उस समय आप इन कंप्यूटर लॉग्स को रिव्यू करते हो और वहाँ पर देखते हो कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ऑडिट ट्रेल बनती है इससे। तो इसमें क्या है कि अनऑथराइज्ड एक्टिविटी, एनोलोमस एक्टिविटी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो। अगर मान लिया एक सिस्टम है, सिंपल बात यह है कि अगर एक सिस्टम है उसमें लॉजिकल एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, एक आदमी एक आइडेंटिफिकेशन से या यूज़र आईडी से 10 बार घुसने की कोशिश कर रहा है और अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशन डाल रहा है, तो इसका मतलब कुछ सस्पिशियस है। तो ये सब लॉग्स में आ जाता है कि किस किसने एंट्री करने की कोशिश की, या क्या एक्टिविटी हुई, और सिस्टम में क्या क्या काम हुआ, सिस्टम क्या क्या स्टेप में क्या कर रहा है, वो सब लॉग्स में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज़ है, आप अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कभी ओपन करके देखो तो उसमें अपने आप आ जाता है कब कब अपडेट हुआ। मतलब अगर नया एंटीवायरस डेफिनीशन आती है, यानी हर अगर हर दिन एंटीवायरस वाले को पता चलता है कि भैया ये वायरस आ गया, वो उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उसके नई डेफिनीशन बनाते हैं, और उसके बाद क्या है, आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं, तो उसमें लॉग्स आ जाते हैं, उसमें लॉग्स आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर कब चल रहा है, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपना लैपटॉप ओपन कर रहे हो, नेटवर्क के साथ अटैच कर रहे हो और अपना काम करना स्टार्ट कर रहे हो, वो अपने आप अपडेट हो रहा है। तो ये सारे लॉग्स आ जाते हैं। तो जब भी सूटेबल हो एक सिस्टम एक्टिविटी फाइल, जो कोई भी मैग्नेटिक मीडिया में, किसी मीडिया में रखी है या कंप्यूटर में रखी है, कहीं पर भी रखी है, उसको आप देख सकते हो और उसमें क्या लॉग्स देख सकते हो, उसमें एक्सेप्शनल आइटम देख सकते हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट देख सकते हो, अनसक्सेसफुल लॉगिन्स कितने हुए देख सकते हो, अगर कोई मास्टर रिकॉर्ड्स में चेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब सिस्टम एक्टिविटी फाइल इंट्रोगेशन कंटिन्यूस ऑडिटिंग क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली लॉग रख रहा है। उन लॉग में इस तरीके के सिस्टम्स भी होते हैं, उसमें से अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ होती है तो ट्रिगर्स क्रिएट हो जाते हैं और ऑडिटर को पता चल जाता है, लेकिन कंटिन्यूस लॉग बन रहा है, ट्रिगर्स कई जगह पर इनिशिएट हो जाते हैं और कई जगह पर ऑडिटर बाद में आकर हफ्ते भर में या 10 दिन में या 15 दिन में उसको ऑडिट कर लेता है। कई सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड स्पेशल ऑडिट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन लॉग्स मेंटेन करे रखते हैं। तो इस टेक्निक को हम सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल कहते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करने की ऑडिट रिव्यू फाइल। तो वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम में, और बाद में इनको एनालाइज किया जा सकता है और डेविएशंस देखा जा सकता है और इम्प्रॉपर ट्रांजैक्शंस देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी होती है। एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी क्या होता है? बेसिकली ये प्रोग्राम्स होते हैं या जिसमें ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, ये क्लाइंट के एप्लीकेशन प्रोग्राम में एम्बेडेड होते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज कोई एक ट्रांजेक्शन्स है और एक पर्टिकुलर ऑडिट क्राइटेरिया में आ रहा है, स्पेसिफाइड मालूम पड़ा स्पेसिफाइड कोड में आ रहा है या स्पेसिफाइड मंथ के पार्ट में हो रहा है या एबनॉर्मल हो रहा है या अमाउंट एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि सिस्टम में उसे ट्रांजेक्शन को लिख देते हैं। मतलब इनपुट से लेकर लास्ट लेवल तक उसको कंटिन्यूसली क्या क्या प्रोसेसिंग हुई, क्या हुआ ट्रांजेक्शन में, सब चीज़ लिख देते हैं।
यानी कि जो ऑडिट जो एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी है उसमें राइट कर देते हैं इस ट्रांजैक्शन को। तो ये टेक्निक में, इस टेक्निक में क्या होता है, बाद में ऑडिटर आता है, उसको देखता है और उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अनयूजुअली हाई अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं या पर्टिकुलर जैसे मार्च एंड के ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स जो हैं उसमें लिख दिए जाते हैं। तो इन एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल फैसिलिटी को कई बार प्रोग्राम भी किया जा सकता है, अगर ऑडिटर अपना क्राइटेरिया भी इसमें इंसर्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके बाद है कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट सिमुलेशन। अब टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, बिजनेस सिस्टम्स क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स हो रहे हैं बिजनेस में, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हो रही है, अब अलग अलग जगह डेटाबेस हो रहे हैं, तो जो नेटवर्किंग है बहुत बढ़ती जा रही है, नेटवर्किंग दुनिया भर में बढ़ रही है। मतलब एक कंपनी है आपकी, यूएस में कंपनी है मालूम पड़ा, वो 25 जगह ब्रांचेज हैं, 500 जगह ब्रांचेज हैं, कॉन्टिनेंट में ब्रांचेज हैं, 2 या 3 कॉन्टिनेंट में ब्रांचेज हैं, या 4 कॉन्टिनेंट में ब्रांचेज हैं, 50 कंट्री में उसके ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूस ऑडिटिंग की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप इतने ज़्यादा ऑडिटर इसमें इंगेज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप प्रोग्राम्स एक स्पेशल प्रोग्राम्स लिखते हो। प्रोग्राम्स क्या होता है, उन ट्रांजैक्शन को सिमुलेट करता है, अगर कोई कम्युनिकेशन है उसको सिमुलेट करता है, इंडिपेंडेंटली सिमुलेट करता है। अगर मान लिया सपोज एक ट्रांजैक्शन हुआ, एक पर्टिकुलर आदमी ने एक पर्टिकुलर पैसा निकालता है, तो उसने बैंक्स है, अगर उसने एक पर्टिकुलर पैसा निकाला तो एक सिस्टम और ट्रांजैक्शन सिमुलेट करेगा। उस ट्रांजैक्शन ना रिकॉर्ड रखा जाएगा ना कुछ किया जाएगा, लेकिन वो उसमें उस ट्रांजैक्शन का इनपुट होगा, वो ट्रांजैक्शन वैसे ही जाएगा, उसमें प्रोसेसिंग होगी, उसमें आउटपुट निकलेगा और उसके बाद वो रिकॉर्ड हो जाएगा ऑडिट फाइल में। वो सिस्टम के रिपोर्ट्स को फ़र्क नहीं करेगा, वो सिस्टम के रिजल्ट्स को फ़र्क नहीं करेगा, वो ATM से पैसा नहीं निकलेगा उसमें, तो वो सिमुलेट करेगा, वो उन सिचुएशन को, सस्पेक्ट ट्रांजैक्शंस को सिमुलेट करेगा और इंडिपेंडेंट सिमुलेशन होगा, और एक पर्टिकुलर ऑडिट सॉफ्टवेयर होगा जो उसको सिमुलेट करेगा, और उसके बाद ऑनलाइन ऑडिटर को बताते जाएगा। मतलब आपके वहाँ एक बैंक है, बैंक में आप एक डिपार्टमेंट ट्रीट कर लो, वहाँ पर 4-5 आदमी हमेशा बैठा दो, इंडिपेंडेंट आदमी बैठा दो, किसी पर्टिकुलर एजेंसी को ऑडिट दे दो, बिग फोर्स को ऑडिट दे दो या पर्टिकुलर कंपनीज को ऑडिट दे दो, वहाँ पर ऑडिटर बैठा रहेगा, उन ट्रांजेक्शन्स को दिखता रहेगा। और वहाँ पर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर का कॉन्स्टेंटली रन करता जा रहा होगा, अगर हर सेकंड 10,000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें से 5 ट्रांजेक्शन को सिमुलेट करते जाएगा और 5 ट्रांजेक्शन का डेटा आपके पास भेजते जाएगा, आप कॉन्स्टेंटली उसको देखते जा रहे होगे, उन ट्रांजेक्शन्स को देखते जा रहे होगे, अगर उन ट्रांजेक्शन्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका करेक्टिव एक्शन लोगे। तो बेसिकली कंटिन्यूस ऑडिटिंग टेक्निक्स हैं, ये सारी टेक्निक्स एक ही तरीके की हैं बेसिकली क्या देखा जाए तो, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेज हैं जिसकी वजह से हमने डिफरेंट टेक्निक्स का नाम दिया है, जैसे कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट सिमुलेशन कह दिया, दूसरे को एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़ कह दिया है। तो अगर आप देखोगे स्नैपशॉट है तो स्नैपशॉट रखता है, तो वो भी एक तरह का सिमुलेशन ही हुआ। तो बेसिकली जो है जहाँ पर जो चीज़ का प्रेडोमिनेंस है वो चीज़ वो हमने नाम दिया, लेकिन बेसिकली ये कंटिन्यूस ऑडिटिंग है। कंटिन्यूस ऑडिटिंग क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि सिस्टम जो है कॉन्स्टेंटली काम करने लग रहे हैं, सिस्टम ऑटोमेट होते जा रहे हैं, वहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत हाई होता जा रहा है, वहाँ पर आदमी मैनुअल इंटरवेंशन कोई नहीं है, आदमी वहाँ पर कोई नहीं है, सिस्टम अपने आप काम करते चले जा रहे हैं। तो जब सिस्टम अपने आप काम कर रहा है तो उसमें अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम 10,000 लोगों का डेटा हैंडल कर रहा है, तो पहले तो जैसे बैंक है उसमें एक आदमी एक दिन में 100 आदमियों का डेटा हैंडल कर लेता था तो बहुत बड़ी बात होती थी, और वो भी क्या है कि अगर एक गलती करता था तो अगले वाले में गलती नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर जो है वो गलती तो करेगा ही नहीं, लेकिन अगर उसके लॉगरिथम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो गलती 10,000 में गलती कर देगा, सीधे गलतियाँ कर देगा, अगर सॉफ्टवेयर वायरस आ गया, हैकिंग हो गई, कुछ चीज़ हो गई, अगर बाउंड्री कंट्रोल्स वायलेट हो गए, एप्लीकेशन कंट्रोल्स वायलेट हो गए या कुछ हो गए, तो वहाँ पर
प्रॉब्लम आ जाएगी सिस्टम में। तो उस समय ये नहीं होता है कि आप सिस्टम को बाद में डिटेक्ट करोगे, 24/7 सिस्टम चल रहा है। अगर बैंक में प्रोसेसिंग गलत हो रही है, एक जीरो एक्स्ट्रा उतना होने लग गया, 50,000 रुपये निकालने हैं तो 5 लाख रुपये निकल रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बैंक की क्रेडिबिलिटी में लॉस हो जाएगा, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। तो आपको पहले ही स्टेप में देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, जो वो सॉफ्टवेयर में एक एल्गोरिथम चल रहा है, एक मैथमेटिकल फार्मूला चल रहा है, वहाँ उसको गड़बड़ होने के लिए बहुत सी चीज़ें डिटेरिएट होना बहुत ज़रूरी है। या तो फायरवॉल का काम करना, पहले फायरवॉल का काम करना बंद होना ज़रूरी है ताकि कोई हैकर उस सिस्टम के अंदर जा रही है, या एंटीवायरस का काम करना बंद हो जाएगा तब होगा, या बाउंड्री कंट्रोल्स वायलेट होंगे तब होगा, या एप्लीकेशन कंट्रोल्स वायलेट होंगे तब होगा। तो यानी कि कोई ना कोई कंट्रोल्स वायलेट होंगे उसके बाद, और सॉफ्टवेयर में सीरीज़ ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, कई कई कंट्रोल्स होते हैं, तो कई कई कंट्रोल्स का जब वायलेट होंगे उसके बाद ही ये सिचुएशंस आएंगी। उसी के बाद ये होगा कि जो प्रोग्रामिंग में मिस्टेक्स, प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर है वो गलत रिजल्ट्स देने लगेगा। तो कंटिन्यूस ऑडिटिंग ये हेल्प करती है कि हमें प्रॉब्लम बताती है, और प्रॉब्लम बताने के बाद हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऑडिटर को रियल टाइम में बताती है कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ऑडिटर फिर रियल टाइम में उन चीज़ों को ठीक कर लेता है। थैंक्स।